समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गोविंद नगर स्थित मुकुंद विहार में लगाया गया विशाल कोविड वैक्सीनेशन कैंप। सीएमओ ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का किया शुभारंभ। आपको बता दें कि देश में खाली वैश्विक कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड 19 की वैक्सीन को कारगर माना गया है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को लगातार कोविड 19 की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में कान्हा की नगरी मथुरा में मंगलवार को एक विशाल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई। वहीं वैक्सीनेशन कैंप में पहुंची मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने इस संबंध में और अधिक जानकारी दी है। मथुरा से कैमरामैन दीपक अग्रवाल के साथ संवाददाता उमेश भदौरिया। यहाँ पर आज एक विशाल टीकाकरण केंद्र का शुरुआत की गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारे यहाँ मथुरा जनपद के प्रमुख समाजसेवी श्री प्रमोद कसेरे, श्री सुमित अग्रवाल, लॉयंस क्लब वगैरह ने, विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने आज एक बेहतर उदाहरण पेश किया है समाज सेवा का। और इस तरह की एक्टिविटी जो है आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोविड टीकाकरण ही इस समय हमारे लिए कोविड से बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है। और हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना ही हम कोविड से बचाव कर लेंगे। अभी जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर संभावित है, और कतिपय ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 4 से 8 हफ्ते में ही कोविड की तृतीय लहर शुरुआत हो सकती है। बहुधा हम देख रहे हैं कि लोग मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो पा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो आज के समय में इस सब को ये सारा जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम होना चाहिए, चाहे वो बाज़ार हो या मंदिर हो, कहीं भी। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ा बचाव तो कोविड टीकाकरण से ही है। इस तरह के टीकाकरण हमारे लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।